क्या आप जानते हैं ये 10 चीजें मोटापे का घर हैं। अगर पतले रहना चाहते हो तो आज से ही इन्हें खाना बंद कर दो। गाइस ये 15 चीजें वो हैं जिन्हें खा के आपको गंभीर डिप्रेशन और एंजाइटीज का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इन्हें खाना छोड़ दो। रात को नींद नहीं आती तो नाश्ते में ये 5 चीजें खानी छोड़ दो। घबराइए मत, इस वीडियो में मैं आपको कोई भी खाने की चीज बंद करने के लिए नहीं कहने वाली हूँ। हम बस वो 5 फूड्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर ठीक तरीके से ना लिया जाए तो फिर वो हमारे लिए रिस्की हो सकते हैं। कौन से हैं ये 5 कॉमन इंडियन फूड्स और इन्हें बनाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गुंजन है और मैं हर संडे आपकी हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश में इस चैनल पे एक नई वीडियो पोस्ट करती हूँ। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। सो पहली फूड आइटम जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है ग्रीन एंड स्प्राउटेड पोटैटो। सो पोटैटोज एज वी नो आर द किंग ऑफ वेजिटेबल्स। हर इंडियन किचन में आलू जरूर होता है, आलू का पराठा, आलू गोभी, आलू मटर, आलू शिमला मिर्च, आलू ले लो। आलू उस दोस्त की तरह है जिसकी हर किसी से बनती है। पर अगर यही आलू दिखने में थोड़ा ग्रीनिश हो और स्प्राउटेड हो तो इसे सीधा डस्टबिन का रास्ता दिखा दीजिए, क्योंकि इसे खाने से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस तरह के पोटैटो में एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसे सोलनाइन कहते हैं। सो सोलनाइन को खाने से डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द हो सकता है और एक्सट्रीम केसेस में तो पैरालिसिस भी हो सकता है। वैसे जब पोटैटो उगाया जाता है तभी इसके अंदर सोलनाइन बनने लगता है, पर वो इतने कम अमाउंट में होता है कि उसे खाने से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बट अगर यही पोटैटो येलो की जगह ग्रीनिश शेड का हो और इसके ऊपर स्प्राउट्स आने लगे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पोटैटो में सोलनाइन का अमाउंट भी ज़्यादा है और इसे खाना हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। आपको पता है कि सऊदी में एक 11 साल के बच्चे की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने पे उसे आईसीयू में ले जाना पड़ा और डायग्नोस करने पे पता चला कि उसकी इस कंडीशन का रीज़न वो रॉ ग्रीन पोटैटो हो सकते थे जो उसने थोड़ी देर पहले भूख लगने पे खा लिए थे। इसलिए खरीदने से पहले चेक कर लें कि आलू ग्रीन कलर का ना हो, स्प्राउटेड ना हो और डैमेज ना हो। घर में रखे रखे भी कई बार आलू स्प्राउटेड और ग्रीन होने लगते हैं, इसलिए इन्हें एक कूल एंड डार्क जगह पर रखें। ओपन में रखने की जगह आप इन्हें किसी कवर्ड एरिया में रखें, किचन के किसी ड्रॉअर में रख सकते हैं और बनाने से पहले इनका छिलका रिमूव करके इन्हें अच्छे से वॉश करके ही बनाएं। नेक्स्ट फूड आइटम है रॉ किडनी बीन्स। अगर बीन्स, स्पेशली रेड और वाइट किडनी बीन्स यानी कि राजमा और लोबिया को ठीक से ना पकाया जाए तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अंडर कुक किडनी बीन खाने से मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये स्टडी बताती है कि किडनी बीन में कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जिन्हें फाइटोहीमोग्लुटिनिन PHA कहते हैं। इसमें पाया गया कि हाई इनटेक ऑफ PHA कैन सीरियसली डैमेज द इंटेस्टिनल वॉल, रिजल्ट इन एन ओवरग्रोथ ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन द गट ल्यूमेन एंड कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लिवर एंड थाइमस। इस स्टडी के हिसाब से PHA हमारे इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है। अंडरकुक्ड किडनी बीन्स की वजह से पैदा हुई इलनेस के केसेस कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और UK में पाए गए। किडनी बीन में प्रेजेंट PHA को डीएक्टिवेट करने के लिए इन्हें अच्छे से सोक करना और बॉयल करना जरूरी है। FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेकमेंड करता है कि इन बीन्स को कम से कम 5 घंटे के लिए पानी में सोक करना चाहिए। इस पानी को डिस्कार्ड करने के बाद इन्हें 10 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर पे बॉयल करना चाहिए, क्योंकि स्लो कुकिंग से बीन्स की टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। थर्ड फूड आइटम जो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है वो है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में ज़्यादा फाइबर, न्यूट्रिएंट और विटामिन्स होते हैं, पर कुछ स्टडीज से पता चलता है कि इनमें कुछ अमाउंट में आर्सेनिक भी होता है। सो जैसा कि आप जानते होंगे कि राइस को खड़े पानी में उगाया जाता है जिससे कि सॉयल या फिर अंडरग्राउंड पानी में प्रेजेंट आर्सेनिक जैसे टॉक्सिक कंपाउंड को राइस का क्रॉप आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टॉलेडो की ये स्टडीज बताती हैं कि और भी कुछ क्रॉप्स जैसे कि क्रूसिफरस वेजिटेबल्स या फिर कैरेट्स भी आर्सेनिक को अब्जॉर्ब कर सकती हैं, बट राइस
सबसे ज़्यादा अमाउंट में इस मेटल को अब्सॉर्ब करता है। और क्योंकि राइस की कंजम्पशन भी बाकी फूड्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, रेगुलर होती है, इसलिए राइस के केस में थोड़ा और केयरफुल होना ज़रूरी है। अभी हम जानेंगे कि इससे बचने का क्या सोल्यूशन है, बट डू यू नो कि सॉइल के अंदर ये आर्सेनिक आता कहाँ से है? सो कुछ आर्सेनिक तो रॉक से लीच होता है जो कि नेचुरली सॉइल में पाया जाता है। आर्सेनिक का मेन रीज़न वो पेस्टिसाइड्स हैं जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वैसे अब इस तरह के पेस्टिसाइड्स का यूज़ बैन हो चुका है, पर पास्ट में किए गए कंटामिनेशन की वजह से अभी भी अंडरग्राउंड पानी और सॉइल में आर्सेनिक के कुछ ट्रेसेस हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और माइनिंग भी सॉइल में आर्सेनिक डिपॉजिट का कारण बनती हैं। सो आर्सेनिक के रिस्क को अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हम ब्राउन राइस और वाइट राइस को हमेशा बदल बदल के खाएं। खाने से पहले राइस को अच्छे से वॉश करें और अगर हो सके तो इन्हें कुछ देर पानी में सोक करके रखें और फिर वो वाला पानी फेंक दें। राइस बनाते वक्त, स्पेशली ब्राउन राइस बनाते वक्त, इन्हें ज़्यादा पानी में बॉईल करें और राइस पक जाने के बाद बचे हुए पानी को हम डिस्कार्ड कर दें। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी डाइट में अलग अलग वेराइटी के ग्रेन्स यूज़ करें ताकि आपको सभी ग्रेन्स के बेनिफिट्स मिलें। सो राइस की तरह ओट्स, बारले, किनुआ, इन सभी चीज़ों को आप डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये सभी फूड्स आपके हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और आपको वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करेंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने टेस्ट और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहें तो आप मेरे प्रोग्राम्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं, जिससे बहुत से लोग अपने हेल्थ गोल्स को पूरा कर पा रहे हैं। इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम पे। हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल को पढ़ के मुझे काफ़ी शौक लगा। मुजफ्फरपुर में 15 साल से छोटे बच्चों को खाली पेट अनराइप लीची खाने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में सैकड़ों बच्चों की जान लेने वाली रहस्यमय बीमारी लीची खाने की वजह से हुई। इससे पहले भी इस तरह का केस बिहार में हुआ था। सो इंडिया पूरे वर्ल्ड में लीची का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया में लीची मेनली मुजफ्फरपुर और बिहार में ग्रो की जाती है। सो बच्चों के इस तरह बीमार होने की वजह से इन ग्रीन अनराइप लीचीज के सैंपल्स को एनालाइज किया गया। ICMR NIN ऑर्गेनाइजेशंस ने पाया कि रॉ लीचीज में MCPG नाम का एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट से बताया कि बच्चे सुबह लीची खाने के बाद स्कूल चले गए और फिर काफ़ी देर तक कुछ नहीं लिया, जिसकी वजह से उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, मींस उनकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से ड्रॉप हो गए। इसलिए समर्स के इस डिलीशियसली स्वीट फूड को इंजॉय करना हो तो खरीदने वक्त ध्यान दें कि लीचीज प्रॉपरली पकी हुई हों, वो ग्रीन कलर की ना हो, फ्रेश और हाइजीनिक हो, और इन्हें सुबह खाली पेट लेना अवॉइड करें। अब चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम पे, जो कि है मिस हैंडल्ड स्प्राउट्स। सो स्पेशली बीन स्प्राउट को अगर प्रॉपरली ना बनाया जाए तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। आप जानते होंगे कि स्प्राउट्स को बनाने के लिए दाल को वॉश करने के बाद एक कपड़े में डाल के या फिर किसी स्प्राउटिंग ट्रे में रख के कुछ दिन रखा जाता है। इन सीड्स में जर्मिनेशन प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से दाल स्प्राउट करने लगती है। इस पूरे प्रोसेस में गीले सीड्स कुछ दिन तक एक कंटेनर में रहते हैं, तो अगर इन्हें टाइम टू टाइम वॉश ना किया जाए या फिर इन्हें क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट ना मिले, अगर किसी कंटेमिनेटेड बर्तन के कॉन्टैक्ट में आ जाएं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हीट पड़े, तो फिर उसकी वजह से बैक्टीरियाज पैदा हो सकते हैं। स्प्राउटिंग प्रोसेस के वक्त जब सीड्स मॉइस्ट होते हैं तब कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे कि ईकोलाई, सैमोलिना, लिस्टेरिया जैसे हार्मफुल पैथोजन्स आसानी से अटैक कर पाते हैं और स्प्राउट्स को पॉइजनस बना सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन, ओल्ड एज या फिर बच्चों के लिए ये काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, या फिर जिन्हें डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ये उनकी कंडीशन को और भी ज़्यादा वर्सन कर सकते हैं। सो स्प्राउट्स को खरीदने वक्त, बनाने वक्त या खाने वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखिए। सबसे पहले तो आप साफ और रिप्यूटेड जगह से इन्हें लीजिए, जहाँ पर बनाते वक्त हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया हो। खरीदने वक्त चेक कीजिए कि ये फ्रेश और क्रिस्पी हो। खाने से पहले इन्हें अच्छे से पानी से रिंस कीजिए। इन्हें एक क्लीन, ड्राई एंड कूल प्लेस में ही स्टोर कीजिए। आप इन्हें स्लाइटली स्टीम या फिर स्टर फ्राई करके भी ले सकते हैं, जिससे कोई भी रिस्क प्रिवेंट हो जाएगा। इन अ नटशेल, आप सभी नेचुरल और ऑर्गेनिक फूड्स को बिना डरे खा सकते हैं, बस इन्हें खरीदने वक्त, बनाने वक्त और खाने वक्त हाइजीन और प्रॉपर मेथड्स को यूज करें। तो अब आज की वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। हरे और स्प्राउटेड पोटैटोज को मत खाएं,
राजमा या लोबिया को बनाने से पहले कम से कम 5 घंटे के लिए सोक करके रखें और फिर 10 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर पे कुक करें। ब्राउन राइस को बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में ना खाएं, बल्कि इन्हें बाकी ग्रेन्स के साथ बदल बदल के बनाएं। स्प्राउट्स बनाने के लिए एक क्लीन और हाइजेनिक डिशेज को यूज़ करें या फिर इन्हें किसी हाइजेनिक जगह से ही खरीदें। अनराइप्ड लीचीज को ना खाएं। वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने व्यूज को कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन फिट रहो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इन्हें भाई हेलो वेट ये 15 खाने की जोए प्लीज यार अगर जिंदा रहे नहीं हो पाएगा ये 5 चीजें खानी छोड़ दो। बेड दे बेड कैसे देगा कोई पिलो दे